और ट्वेल्थ दोनों का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत बधाई जो लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास किए, और जिनका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, ज़्यादा टेंशन में मत आओ यार, ये लाइफ का अंत नहीं है। मगर कोशिश करना नेक्स्ट टाइम कि अच्छा कर सको, ठीक है? सो अभी जिन्होंने अपना 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया है और पास कर गया, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आगे वो क्या बनना चाहते हैं। इसमें पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है यार। मेरा हक नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लो या डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बन जाओ, ये मेरा हक नहीं है। ये आपका पसंद होना चाहिए। आप बनना क्या चाहते हो डिपेंड्स ऑन यू, और इसमें आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। दूसरा कोई क्या बन रहा है या आपके पड़ोस में लड़के लड़कियां क्या चूज कर रही है, उस चीज़ के ऊपर मत जाना। आपका जो चीज़ में पैशन है आप उसमें आगे जाओ। जिसको करते समय आपका पूरा कनेक्शन टूट जाता है दुनिया के साथ, आपको लगता है कि नहीं, आप जो कर रहे हो उसमें आपका पूरा इंटरेस्ट है, आप उसमें घुस जाते हो। जैसे कोई आर्टिस्ट अगर ड्राइंग करता है ना, तो वो उसको करते समय उसी में घुस जाता है, उसको पूरा दुनिया के साथ कनेक्शन नहीं रहता है कहीं पे। या अगर कोई शेफ खाना बना रहा होता है, तो वो ऐसा उसमें लग जाता है कि उसको दुनिया का कोई फिक्र नहीं होता है कि कौन मेरे सामने है, खाना अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, वो नहीं सोचता ये सब, वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से अभी भी आप लोगों के सामने सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, चाचा मामा मामी मौसी बहुत सारे लोग आएगी जो कहेगी इंजीनियरिंग कर लो, इस कॉलेज से कर लो, उस कॉलेज से कर लो। तुम्हारे मम्मी पापा भी हो सकता है कि सोसाइटी का सोच के बोलेंगे, नहीं बेटा ये कर लो, नहीं बेटी तुम डॉक्टर बन जाओ। इसमें मत जाना, जो तुम्हारा पसंद है उसमें जाना। अगर आज अपना आवाज़ नहीं उठा पाए, नहीं बुलंद कर पाए, तो आगे फिर कभी नहीं कर पाओगे। लाइफ बहुत ईजी चीज़ नहीं है, इसे जीने के लिए लड़ना पड़ता है। अगर आज कहीं पे शर्मा के या कुछ भी सिचुएशन के कारण अगर चुप बैठ जाओगे ना, तो फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अफसोस के सिवा तुम्हारे पास और कुछ नहीं रहेगा। अगर मैंने उस वक्त फैसला ले लिया होता तो मैं शायद आगे निकल जाता। मैंने अगर इसका नहीं सुना होता तो मैं आगे निकल जाता। आज अगर तुम ये फैसला लोगे, आगे निकलोगे, तुम्हारे पास तुम्हारा फेलियर का कोई एक कारण बन जाएगा तुम्हारे दिमाग में कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती करवा दिया यार। ये बात समझते समझते बहुत लेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से बैक गियर में आके वापस से चालू करने में टाइम बहुत खप जाता है, नहीं हो पाता है। एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, फिर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने मम्मी पापा को आज समझाओ, वो कल तुम्हारा सजेशन अगर सही होगा तो वो खुद समझ जाएंगे। और अपने लिए जीना सीखो, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तुम अगर जाओगे सोचोगे मेरी क्रश इस कॉलेज में जा रही, मैं भी उसी में चले जाऊं, भले तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है 3 साल 4 साल तुम उसको देख के निकाल लो, बाद में फिर सारा ज़िंदगी तक नहीं देख पाओगे। मंजूर है क्या? नहीं है ना। ये दोनों के लिए, लड़का के लिए भी लड़की के लिए, जो उसमें पसंद है वो काम को करो और पूरी शिद्दत के साथ करो। जो तुम्हारा इच्छा है अपने पेरेंट्स को भी बोलो, और पेरेंट्स के लिए उनसे एक बार पूछो कि उनका सपना क्या है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तुम उस चीज़ में ही आगे जाओ। हमारा सोच के या आस पड़ोस का सोच के तुम अपना फ्यूचर डिसाइड मत करो, बहुत बार ये गलती होता है। सो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपना सही फैसला लेंगे और आगे निकलेंगे। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर द ट्रबल विच आर कमिंग। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।